हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 121 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्या होता है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, कैश फ्लो में कब कब काम आता है, कब कब बनाना पड़ता है और कब कब इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हमने कैश फ्लो पढ़ लिया, सिंपल वाला कैश फ्लो पढ़ लिया कि भाई पूरा अगर बैलेंस शीट हमें गिवन है तो उससे कैसे कैसे कैश फ्लो करना है। अब थोड़ा सा डीप जाते हैं और देखते हैं कि भाई क्या होता है। देखो, अगर मैं कैश फ्लो का छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया है, मैंने आप भी किसी क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट है, भाई प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है 2017 का है 70,000, 2016 का है 90,000, 2017 का है 70,000, 2016 का है 90,000 और कुछ नहीं, मतलब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, मान के चलते हैं पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है और ये चीजें गिवन। अब भाई समझना, जब ये वाली कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं भाई, प्रोविजन फॉर टैक्स को कौन सी चीज कहां आती है, ये कहां आता है वर्किंग नोट में, इस साल का प्रोविजन, ठीक है, और ये कहां आता है, ये आता है टैक्स पेड के नाम से, कहां पे, ऑपरेटिंग के नीचे, इनकम टैक्स पेड के नाम से। भाई पिछले साल का जो प्रोविजन है वो इस साल टैक्स पेड में था तो माइनस हो गया और इस साल का जो प्रोविजन है वो यूं आ गया, सिंपल है। अब ठीक है, ऐसे ही करते हैं, पर समझ, ये तो नॉर्मल केस है। अब समझ, क्वेश्चन में यही चीज गिवन है, मानते यही चीज गिवन है, पूरा क्वेश्चन है आपका, बैलेंस शीट दे रखी है, जो क्वेश्चन भी कहेंगे उसका बैलेंस शीट दे रखी है, सब चीजें दे रखी है, ठीक है। लास्ट में एक फितूर उसने छोड़ दिया कि भाई टैक्स पेड जो है वो है 60,000, टैक्स पेड कितना है 60,000। अब भैया सीधी बात तो ये है कि हमारे हिसाब से इस साल का प्रोविजन ये था और पिछले साल का, मतलब इस साल का टैक्स पेड ये है, पर उसने लास्ट में एक छोटा सा चीज छोड़ दिया कि भाई टैक्स पेड ये है, तो गड़बड़ ये हो गई कि भैया हमने जो सोचा था वो नहीं हो रहा, वो तो नहीं है भाई, बिल्कुल अलग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि भैया गड़बड़ कहां आ रही है। गड़बड़ कैसे पता लगेगी, बात को ध्यान से समझना, इन दो के अलावा ये आता है अपना कार्ड पे आता है वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स, ये कहां आता है इनकम टैक्स पे, ठीक है। अब भैया ये तो आना चाहिए था पर क्वेश्चन के लास्ट में उसने क्या बोल दिया कि भैया टैक्स पेड जो है वो 60,000 है, तो यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये लोग क्या हो गए, ये दरवाजे पे खड़े हुए पहरेदार रह गए, असली खेल तो अंदर चल रहा है, ये समझना ही बात को, बात समझना ध्यान से, क्या भैया अगर कुछ भी नहीं गिविन तो ये हो गया हमारा इस साल का प्रोविजन और ये हो गया इस साल का टैक्स पेड, बट अगर दो के अलावा तीसरी चीज मिल गई तो इसका मतलब है ये तो पहरेदार खड़े हैं सिर्फ, इनका कोई मतलब नहीं है। तो जब भी दो के अलावा तीसरी चीज मिलती है तो हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, क्या बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। अब वो तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज या तो हो जाएगी टैक्स पेड यानी इसका दुश्मन, या फिर इसका दुश्मन, इसका दुश्मन क्या हो सकता है कि भाई प्रोविजन बोल दिया कि भाई प्रोविजन था करंट ईयर का कितना 50,000, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये भी खेल खत्म हो गया, क्योंकि भैया हमारे हिसाब से प्रोविजन ये होना चाहिए था पर ये नहीं है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो जब भी दो के अलावा तीसरी चीज आ गई तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और ये दोनों सिर्फ पहरेदार रह जाएंगे, इन दोनों का फिर कोई काम नहीं होगा। कैसे होगा ध्यान समझो, ये आपको पूरा वही बनाना है प्रोविजन फॉर टैक्स का डेबिट क्रेडिट वाला अकाउंट, ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज को। हमें दो ही चीज निकालनी है, दो चीज कौन कौन सी निकालनी है, एक जो आएगी वर्किंग नोट में प्रोविजन और एक आएगा टैक्स पेड, ये दो चीजें हमें ढूंढ के निकालनी, ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को, ये दो चीजें ढूंढ के निकालनी। अब जब ये तीसरी इंफॉर्मेशन दे दी, कौन सी, चलो तीसरी इंफॉर्मेशन में लेता हूं टैक्स पेड दे रखा है, मान लो तीसरी इंफॉर्मेशन दे रखा है टैक्स पेड कितना है 60,000 ले, चलो 60,000 ले रखा है। अब जब ये तीसरी इंफॉर्मेशन निकल गई तो ये दोनों किसी काम के नहीं रहे, ये दोनों सिर्फ पहरेदार है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के। तो समझना भाई प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है हमारे लिए, लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, लाइबिलिटी ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस यानी 2016 का बाय बैलेंस बीडी कितना है, 2016 का बैलेंस
90,000, क्यों? पिछले साल का जो बैलेंस है वो इस साल का ओपनिंग था और इस साल का जो बैलेंस है वो इस साल का क्लोजिंग ही है। टू बैलेंस सीडी कितना है भाई? 70। आ समझना, समझो इस चीज को। अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो ये दोनों हमारा काम हो गया, पर जब तीसरी चीज पता लग गई तो ये दोनों सिर्फ पहरेदार रह गए जो कोनों में खड़े हुए। अब आ समझना, यहां पे आता है टू बैंक। टू बैंक का मतलब आपने साल में कितना टैक्स पे करा, वो यहां लिखा जाता है। हमें दो ही चीजें ढूंढनी है, एक ये और एक ये। तो ये वाली चीज टैक्स पे कहां मिलेगा? टू बैंक। और इस साल जो इस तरफ जो आता है वो आता है बाय प्रोविजन, यानी कि करंट ईयर का प्रोविजन। अब समझो चीज को क्या है, थोड़ा समझना चीज को। अब भैया क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, समझो करो। ये ओपनिंग है क्लोजिंग, इस तरह आएगा तो टैक्स पेड और इस तरफ आया तो करंट ईयर का प्रोविजन। इन चार चीजों में ही अकाउंट बनाया जाता है, ये चार चीजें आएंगी इस अकाउंट में, ठीक है। इन चार में से तीन चीज हमको पता है और चौथी चीज हमको निकालनी पड़ेगी। कैसे? देखो अब भैया क्वेश्चन में अगर ये दो चीजें गिवन होती तो हम तो डायरेक्टली इसको क्या करते, ये हो गया इस साल का क्या प्रोविजन और ये हो गया इस साल का टैक्स पेड। तीसरी चीज मिल गई, तीसरी चीज क्या है? टैक्स पेड। टैक्स पेड मिल गया तो हम कहां पे, टैक्स पेड कौन सा वाला है? इस तरफ वाला। यहां मर्जी की भैया हमें गिवन है टैक्स पेड, ठीक है। और अब निकालेंगे इसका बैलेंस। बैलेंस कितना आ रहा है भैया? 130,000। 130,000 इस तरफ का बैलेंस कितना आया? 40। इस तरफ का बैलेंस कितना आया? 40। तो जो ये 40,000 है ये क्या आ गया? इस साल का प्रोविजन, और ये आएगा वर्किंग नोट में। और जो हमें क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया था वो तो गिवन नहीं था, तो वो क्या आ जाएगा आपका टैक्स पेड में। यानी कि ये दोनों किराएदार हो गए, ये दोनों बाहर निकल गए। अब हम यहां लगा देंगे क्रॉस। क्रॉस का मतलब इसका बनेगा अकाउंट और जो पोस्टिंग होगी वो इन अमाउंट से नहीं की जाएगी। जब प्रोविजन फॉर टैक्स की पोस्टिंग होगी तो वो इन दो अमाउंट से की जाएगी। ये वाला आएगा वर्किंग नोट में और ये वाला आएगा टैक्स पेड में। समझ में आया? तो भाई जब भी दो से तीसरी चीज मिल जाती है तो हम इन दोनों का कोई काम नहीं रखते। क्यों कोई काम नहीं रखते? क्योंकि भैया आप लोग हो गए पहरेदार, क्योंकि एक्चुअल घटना हमें पता चल गई है कि एक्चुअल घटना ये है। आ गया इस कंडीशन में हम ना तो ये ओपनिंग बैलेंस इससे कोई लेना देना रहेगा, ये कहीं नहीं आएगा, ना ही ये कहां आएगा। क्या चीजें आने वाली हैं? ये दो चीजें, इन दोनों में से एक गिवन होगी, दूसरे का हम बैलेंस निकाल। समझ में आ गया? इस तरह आता है टैक्स पेड। क्वेश्चन में टैक्स पेड होगा तो इस तरफ लिखेंगे, क्वेश्चन में तीसरी चीज अगर प्रोविजन गिवन होगी तो हम इस तरफ लिखेंगे, जो बैलेंस आएगा वो यहां आता है। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। एक क्वेश्चन और करता हूं उसका, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझो क्या ये मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ भाई 2016 का था 30,000, 2017 का था 50,000। और क्वेश्चन के लास्ट में हम पूरा क्वेश्चन मानते थे, ध्यान समझना, जो मैं यहां करा रहा हूं ये शॉर्ट टेक सिर्फ एक्सट्रैक्ट है, यानी आपको क्वेश्चन पूरा ही मिलेगा भाई, पूरा मिलेगा क्वेश्चन। वहां प्रोविजन फॉर टैक्स है, आप देख लिया, पीछे पता लगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, क्या गिवन है कि भैया इस साल का प्रोविजन इतना है, इस साल का टैक्स पेड इतना है। तो जैसे ही तीसरी चीज मिली वैसे हम अकाउंट बनाएंगे, यानी तीसरी चीज मिलते ही ये फालतू रह गए, हम अकाउंट बना के एक्चुअल बात निकालेंगे, एक्चुअल अंदर चल गया है। देखो हाँ भाई, ये जो चीजें गिवन है इसका मतलब अगर ये लास्ट ऐसा होता तो भाई ये आ जाता कहां पे, इस साल का है तो वर्किंग नोट में, और ये आ जाता कहां पे, टैक्स पेड में। पर क्वेश्चन के आखिरी में हमें जाके पता लगा कि भैया प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना चाहिए। देखो तो भैया तीसरी चीज मिल गई, तो अब ये दोनों तो हो गए किराएदार, पहरेदार बन गए जगह के, तो ठीक है। तो ये बन गया प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, ठीक है। पहले पोस्टिंग करते हैं इन किराए पहरेदारों, पहरेदारों की पोस्टिंग कैसे होती है? पिछले साल का जो बैलेंस है वो आ जाएगा टू साइड, तो सॉरी पिछले साल का जो बैलेंस है वो कहा जाएगा बाय साइड, बाय बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस बीडी। कितना है भाई ओपनिंग बैलेंस बीडी? क्लोजिंग बैलेंस यहां पर यानी कि इस साल का बैलेंस, टू बैलेंस सीडी कितना? 50,000। हाँ भाई एक चीज याद रखना, हम में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि भैया ये क्या है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरफ लिखा है इसलिए सीडी लिखते, सीडी इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है, कैरी डाउन, नेक्स्ट ईयर हम कैरी लेके आएंगे। कैरी मतलब
ये वाला बैलेंस अगले साल जाने वाला है, इसलिए कैरी डाउन क्लोजिंग में। यहां बीटी क्यों लिखा? क्योंकि ये पहले से आया है, ब्रॉट डाउन वहां से लेके आए हैं, इसलिए ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस के लिए लिखा जाता है बीटी, और सीडी क्लोजिंग बैलेंस के लिए लिखा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस तरफ लिखा है इसलिए सीडी है, इस तरफ भी सीडी आ सकता है। ठीक है ना, ये तो लाइबिलिटी है इसलिए इस तरफ आ रहा है। देखो हाँ भाई, ये तो पहले हो गए। अब जो तीसरा हमें प्रूफ दे रखा है, जो तीसरी चीज दे रखी है उसकी पोस्टिंग करें, प्रोविजन दे रखा है भाई करंट ईयर का। तो प्रोविजन की पोस्टिंग कहां पे होती है? प्रोविजन की पोस्टिंग यहां पे होती है, तो यहां लिखा बाय प्रोविजन कितना है 30,000 का। ठीक है, तीसरी चीज जो गिवन थी उसको यहां पे रखा और उसकी मदद से फिर निकाला बैलेंस, तो हुआ ये 60, इधर रखा 60। ठीक है, कितना आ गया भाई बैलेंस निकाला तो 10,000 का बैलेंस आ रहा है, और इस तरफ आ रहा है इसलिए किस नाम से लिखा जाएगा? टू बैंक के नाम से लिखा जाएगा। क्या है ये? टैक्स पेड है। अब कैश फ्लो में कहां का लिखेंगे? ये पहरेदार तो गए भर में, ये आ जाएगा इस साल का प्रोविजन वर्किंग नोट में, और ये आ जाएगा कहां पे? टैक्स पेड में। समझ में आ गया? तो जब भी दो के अलावा किसी इंफॉर्मेशन मिल जाए क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर टैक्स के आगे लगा लो क्रॉस, जैसा कि हम वर्किंग नोट के लिए लगाते हैं। भैया जैसे रीड करते करते यहां पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद देखा क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लगाने का मतलब अकाउंट के पास जाओ, अकाउंट के पास गए वहां पता लगा एक ये रहा, एक ये रहा, ये आने वाला है यहाँ, ये आने वाला है यहाँ। क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आ गया? ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए तीसरी चीज मिल जाए, डिविडेंड के लिए भी ऐसा ही होता है, सेम होता है प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कभी ऐसी चीज मिल जाए तो तीसरी चीज मिलते ही हम बनाना है अकाउंट। ठीक है, यहां मैंने छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट कराया है, इसके बाद डेप्रिसिएशन का नेक्स्ट वीडियो में हम डेप्रिसिएशन और मशीनरी का अकाउंट देखेंगे, फिर करेंगे एक क्वेश्चन और चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। ठीक है गाइस, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट सुद्धा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com जहां पे जाके आप क्लास 12 की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग।